गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। फिजिक्स के अंदर अपना पहला चैप्टर चल रहा है और पहले चैप्टर के अंदर प्रकृति के मूल बल पढ़े, उस संरक्षण के नियम पढ़े हैं। आज कुछ बेसिक चीज़ें लेते हैं जो नॉर्मली अपन फिजिक्स के अंदर पढ़ते जाएंगे और उनको काम में लेते जाएंगे। सिर्फ इनको लर्न करना है कि क्या चीज़ें होती हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर 10^18, 10^15, 10^12, 10^9, 10^6, 10^3, 10^2 और 10^8, 10^8, 10^18 को एग्जा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एग्जा। इसका जो सिंबल होता है वो होता है 10^18, यानी कि 10^18 को एग्जा बोलते हैं। इसका जो सिंबल होता है वो होता है 10^15, 10^15 को बोलते हैं पेटा। और इसका जो सिंबल होता है उसको लिखते हैं पीस। 10^18 को ई लिखते हैं, 10^15 को पेटा बोलते हैं, इसको किसे लिखते हैं? पी से लिखते हैं। 10^12 यानी 10^12 को टेरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेरा, जिसको लिखते हैं कैपिटल टी से। इसे लिखते हैं कैपिटल टी से। 10^9, 10^9 को बोलते हैं गीगा, यानी कि गीगा का मतलब होता है 10^9, और इसको लिखते हैं कैपिटल जी से। इसे लिखते हैं कैपिटल जी से। 10^6 को बोलते हैं मेगा, 10^6 को बोलते हैं मेगा, और इसको लिखते हैं कैपिटल एम से। यानी कि एम लिखा हुआ मिल जाए किसी वर्ड के पीछे, इसका मतलब 10^6 है, या मेगा लिखा हुआ मिले 10^6, या 10^6 को एम लिखते हैं, वो भी अपना काम चलता है। 10^30 को बोलते हैं किलो, जिसको लिखते हैं के से। 10^2 हेक्टो, 10^2 को बोलते हैं हेक्टो, और इसको लिखते हैं स्मॉल एच से। 10^1 इसको बोलते हैं डेका, इसको लिखते हैं डी ए से। इसे लिखते हैं डी ए से। 10^18 एग्जा, 10^15 पेटा, 10^12 टेरा, 10^9 गीगा, 10^6 मेगा, 10^3 किलो, 10^2 हेक्टो, 10^1 डेक। क्या बोलेंगे? डेक। उसके बाद बात करते हैं 10^-1, 10^-2, 10^-3, 10^-6, 10^-9, 10^-12, 10^-15 और 10^-18। ये वाली जो बातें थी प्लस में थी, ये जो बातें हैं किसमें है? माइनस में। किसमें है बेटा? माइनस में। तो 10^-1 को बोलते हैं डेसी, जिसको लिखते हैं स्मॉल डी सी। 10^-1 को बोलते हैं डेसी, जिसको लिखते हैं डी से। 10^-2 देखिए बेटा, बेटा निकल जाएगा, इसको बोलते हैं सेंटी। क्या बोलते हैं? सेंटी, जिसको लिखते हैं सी सी। 10^-3, 10^-3 मिली, जिसको लिखते हैं स्मॉल एन से। 10^-6 इसको बोलते हैं माइक्रो, जिसको लिखते हैं म्यू से। 10^-6 को बोलते हैं माइक्रो, और माइक्रो को लिखा जाता है म्यू से, यानी कि माइक्रो का सिंबल क्या है? म्यू। 10^-9, 10^-9 को बोलते हैं नैनो, और इसको लिखते हैं स्मॉल एन से।
10 की घात माइनस 12 बोलते हैं टी को, जिसको स्मॉल पी से लिखा जाता है। 10 की घात माइनस 15 फेम्टो, जिसको लिखते हैं स्मॉल एफ से। फेम्टो को फर्मी भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, फर्मी भी बोलते हैं। 10 की घात माइनस 18 को बोलते हैं एटो, एटो। 10 की घात माइनस 18 एटो होता है, जिसको लिखते हैं स्मॉल ए से। किससे लिखते हैं बेटाओ, स्मॉल ए से। एक बार वापस से सुन सकते हो, 10 की घात 18 एक्सा, जिसको ई से लिखते हैं। 10 की घात 15 पेटा बोलते हैं, कैपिटल पी से लिखा जाता है। 10 की घात 12 पैरा होता है, जिसको कैपिटल डी से लिखते हैं। 10 की घात 9 जिसको गीगा बोलते हैं, कैपिटल जी से लिखा जाता है। 10 की घात 6 मेगा बोलते हैं, जिसको एम से लिखते हैं, कैपिटल। 10 की घात 3 किलो, जिसको के से लिखा जाता है। 10 की घात 2 जिसको हेक्टो बोलते हैं, जिसको एच से लिखा जाता है। 10 की घात 1 जिसको डेगा बोलते हैं, जिसको डी ए से लिखते हैं। 10 की घात माइनस 1 देसी, जिसको डी से लिखा जाता है। 10 की घात माइनस 2 सेंटी, जिसको सी से लिखते हैं। 10 की घात माइनस 3 जिसको मिली बोलते हैं, जिसको स्मॉल एम से लिखा जाता है। 10 की घात माइनस 6 को माइक्रो बोलते हैं, और माइक्रो को लिखते हैं यू से। 10 की घात माइनस 9 नैनो बोलते हैं, स्मॉल एन से लिखा जाता है। 10 की घात माइनस 12 पी को बोलते हैं, जिसको स्मॉल पी से लिखा जाता है। 10 की घात माइनस 15 को फेम्टो भी बोलते हैं, और इसका दूसरा नाम फर्मी भी है, जिसको स्मॉल एफ से लिखा जाता है। और 10 की घात माइनस 18 को एटो बोलते हैं, जिसको किससे लिखते हैं, जिसका सिंबल है स्मॉल ए। आगे देखेंगे निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल, जिसको लिखते हैं सी से। इसे लिखते हैं सी से। और निर्वात में जो प्रकाश की जो चाल होती है 2.9979 इंटू 10^8 मीटर प्रति सेकेंड, या इसको 3×10^8 मीटर प्रति सेकेंड भी लिख सकते हैं। यानी कि प्रकाश की चाल होती है 3×10^8 मीटर बटे सेकेंड। क्या होती है, मीटर बटे लिखेंगे इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश का जो मान होता है -1.6×10^90 कूलाम, कितना होता है 1.6×10^-19 कूलाम। प्रोटॉन पर आवेश होता है +1.6×10^-19 कूलाम। न्यूट्रॉन पर आवेश, न्यूट्रॉन पर आवेश होता है 0। क्या होता है बेटा, 0। सांत्रिक गुरुत्वाकर्षण, सांत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, जिसको लिखते हैं कैपिटल जी से। सांत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, जिसको लिखते हैं कैपिटल जी से, और इसका मान होता है 6.67×10^11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। कैसे लिखते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे किलो
किलोग्राम स्क्वायर। प्लांक नियतांक, प्लांक नियतांक को लिखते हैं एच से, इससे लिखते हैं बेटा एच से। इसका जो मान होता है 6.62, 6.62 इंटू 10^-3 जूल इंटू सेकेंड। क्या लिखते हैं? जूल इंटू सेकेंड। बोल्ट्जमान नियतांक, बोल्ट्जमान नियतांक, बोल्ट्जमान नियतांक को लिखते हैं केसे। बोल्ट्जमान नियतांक को लिखते हैं केसे 1.381 इंटू 10^-23, 10^-23 जूल बटे केल्विन, जूल बटे केल्विन। अवोगाद्रो संख्या, अवोगाद्रो संख्या जिसको लिखते हैं एम ए से, यानी कि एम के बराबर में ए। अवोगाद्रो संख्या का जो मान होता है 6.022 इंटू 10^3, 6.022 इंटू 10^3 मोल इनवर्स, मोल इनवर्स क्या होता है बेटा? 6.022 इंटू 10^23 मोल इनवर्स लिखेंगे। सार्थी गैस नियतांक जिसको कैपिटल आर से लिखते हैं, सार्थी गैस नियतांक का जो मान होता है 8.314, 8.314 जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। लिखेंगे इलेक्ट्रॉन द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान Me बराबर, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान Me बराबर 9.1 इंटू 10^-31 kg। प्रोटोन का द्रव्यमान, प्रोटोन का द्रव्यमान होता है Mp इक्वल टू 1.673 इंटू 10^-27 kg। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान Mn बराबर 1.675 इंटू 10^-27 kg। देख लो प्रोटोन और न्यूट्रॉन दोनों का द्रव्यमान क्या होता है? लगभग बराबर होता है। फैराडे नियतांक, फैराडे नियतांक जिसको लिखते हैं एफ से, फैराडे नियतांक
कैपिटल एफ बराबर 9.648 9.648 इंटू 10^4 कूलाम बटे मोल, क्या होगा कूलाम बटे मोल। रिडबर्ग नियतांक, रिडबर्ग नियतांक कैपिटल आर बराबर, रिडबर्ग नियतांक कैपिटल आर बराबर 1.097 इंटू 1.097 इंटू 10^7 10^7 मीटर इनवर्स, क्या होगा मीटर इनवर्स या 1/मीटर। स्टीफन बोल्ट्जमैन नियतांक, स्टीफन बोल्ट्जमैन नियतांक, स्टीफन बोल्ट्जमैन नियतांक जिसको लिखते हैं सिग्मा से। स्टीफन बोल्ट्जमैन नियतांक को किससे लिखा जाता है? सिग्मा से। इसका मान होता है 5.67 5.67 इंटू 10^8 -8 वोट वोट मीटर की पावर -2 केल्विन की पावर -4 वोट मीटर की पावर -2 केल्विन की पावर -4 सिग्मा सिग्मा बोलते हैं। बीन नियतांक, बीन नियतांक इसको लिखते हैं स्मॉल बी सी। बीन नियतांक स्मॉल बी 2.898 2.898 इंटू 10^-3 मीटर इंटू केल्विन, मीटर इंटू केल्विन। निर्वात की विद्युतशीलता जिसको लिखते हैं एप्सिलॉन ई से। निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन इसके पैर में 0 या एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू होता है 8.85 इंटू 10^-12 कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। कूलाम नियतांक जिसको लिखते हैं के से, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4π एप्सिलॉन नॉट, इसका मान होता है 9 × 10^9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर, तो होता है बेटा न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर। ये आज कुछ महत्वपूर्ण चीजें लिखाई है, इस प्रकार से आगे कल की क्लास के अंदर भी ऐसे होगा। एक बार इसको ढंग से देख लीजिए। तो आज की इस क्लास में यहीं पे विराम देते हैं। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।